श्री शिवा नमस्ते बीएम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपति व्रत में उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, उद्यापन को लेकर, सुबह की पूजा को लेकर, शाम की पूजा कैसे करनी है, और साथ ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं हर वीडियो के माध्यम से देती हूँ। परंतु अभी भी आपके कुछ डाउट्स थे जिनके उत्तर आपको शायद नहीं मिल पा रहे थे वीडियो देखने के बाद भी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके इन सब डाउट्स को दूर कर दिया जाए। और यदि कोई नए व्यक्ति भी पशुपति व्रत करना शुरू कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हो, तो आपको इस वीडियो में उसका उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास रोजाना आते हैं जो भी लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं, जैसे कि उद्यापन वाले दिन भी क्या हमें दीपक को प्रसाद देकर जाना होता है, पूजा कैसे की जाती है शाम के समय में, क्या हम उद्यापन में पंडित जी को खाना खिला सकते हैं, एकादशी के दिन क्या हम उद्यापन कर सकते हैं, यदि व्रत कर रहे हैं तो उद्यापन में सीधे में हमें क्या चीज दान करनी होती है, नारियल कौन सा वाला लेना है, उद्यापन के बाद हमें क्या खाना है, सीधे को शिवलिंग से छूना सही है या नहीं है, उद्यापन वाले दिन पूजा कैसे होगी, पांचवें व्रत में यदि हम उद्यापन करने जा रहे हैं और हमारा पीरियड आ जाता है या फिर हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तब हमें उद्यापन कैसे करना है दीदी, उद्यापन कब करना है, सुबह में कर देंगे, शाम के समय कर देंगे, या शाम को हमें कहीं जाना है सुबह उद्यापन कर दे तो, पूजा से पहले सीधा दे देना है या सीधे को बाद में देना है। तो इसी तरह के आपके बहुत सारे डाउट्स थे कि पूजा किस प्रकार हो, उद्यापन किस प्रकार होगा, तो बहुत सारे संशय आपके मन में बने हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, परंतु ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को सुने तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आप पूजा करते हुए जिन लेडीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी फ्रेंड है, इनका उद्यापन था तब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तो उद्यापन किस तरह से कर रही हैं आपको स्क्रीन पर दिखी जाएगा, परंतु आपके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। थाली में आपको सामग्री दिख रही होगी, प्रसाद भी है यहाँ पे और दीपक भी है। तो जब भी आप उद्यापन करते हैं, पांचवा व्रत जब आपका होता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे पशुपति व्रत पांच मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत बतलाया गया और बहुत चमत्कारी व्रत है होता है ये। यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तब आप इस व्रत को धारण करते हैं, और जब आपके पांच व्रत पूर्ण हो जाते हैं, अब पांच व्रत पूर्ण होने का अर्थ क्या होता है पहले तो आप यही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबको सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, पांच व्रत तब पूर्ण होते हैं जब आपने पांच व्रत मंदिर जाकर किए हैं, दीपक जलाए हैं, प्रसाद अर्पित किया है, शाम की पूजा अर्चना की है एक ही मंदिर में, तब जाके आपके ये पांच व्रत पूर्ण होते हैं, समझिएगा इस बात को। और यदि पांच व्रत के दौरान आपका पीरियड आ जाता है या आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं या हमारा पीरियड आ जाता है तब हम शाम के समय में पूजा अर्चना नहीं कर पाते, क्योंकि इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा अर्चना करनी होती है, शाम को प्रसाद और दीपक लेकर मंदिर जाना होता है। तो यदि पीरियड आ जाता है तब भी हम देखिए पूजा नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि पीरियड्स के दौरान तो मंदिर जाना वर्जित होता है। और यदि हम कहीं बाहर चले गए, शादी में चले गए, तब भी हम व्रत धारण तो हमने किया होता है परंतु हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके पीरियड्स आ जाए, जब आपको कहीं बाहर जाना हो, व्रत को छोड़ा नहीं जाता, व्रत जिस तरह से आप करते आ रहे हो व्रत के नियम वही रहते हैं, पूजा आप नहीं कर पा रहे ठीक है कोई बात नहीं, परंतु व्रत को छोड़ा नहीं जाता, व्रत खंडित माना जाता है यदि व्रत को बीच में छोड़ दिया जाए। क्योंकि कई कमेंट्स यही थे, दीदी पीरियड में पूजा तो हमें करनी ही नहीं है, मंदिर तो हमें जाना नहीं है, तो फिर व्रत रखने से मतलब क्या है। अगर व्रत बीच में आप रखते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं, तभी वह व्रत आपके पूर्ण माने जाते हैं। व्रत को बीच में छोड़ देना व्रत का खंडन होता है, ध्यान से समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो व्रत आपको रखना है, पूजा आपको भले ही नहीं कर पा रहे बाहर जाना है, पीरियड में आपको वैसे भी पूजा नहीं करनी है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब पीरियड वाला व्रत तो आपका छूट गया, समझिएगा, अब व्रत कौन सा गिना जाएगा, जब आपके पांच व्रत पूर्ण होंगे, जिस व्रत में आप मंदिर गए हो, आपने दीपक लगाए हैं, समझ में आया, व्रत कौन से गिने जाएंगे। अब प्रश्न सबसे ज़्यादा यही आ रहे थे मेरे पास कि दीदी अगर पांचवें व्रत के दिन हम उद्यापन करने जा रहे हैं और उस दिन हमारा पीरियड आ जाए तब हमें क्या करना है। उस दिन यदि आपका पीरियड आ जाता है तो व्रत रखना है आपको, व्रत के सारे नियमों का पालन करना है, पूजा आपको नहीं करना है, मानसिक पूजन अर्चन करना है भगवान का। जब अगला वाला सोमवार आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट सोमवार आएगा, तब आप व्रत करेंगे, सिर वगैरह धो के भगवान का पूजन अर्चन करके उद्यापन करेंगे, ठीक है। मतलब पांच व्रत कौन से गिने जाएंगे, जब आप मंदिर गए, आपने पूजा करी, आपने दीपक लगाए, ठीक है, वो ही पांच व्रत होते हैं जो गिने जाते हैं। अब बारी आती है उद्यापन हमें कब करना है। उद्यापन देखिए पांचवें व्रत की शाम के समय पर, जब आप अपनी थाली लगाते हैं उसमें दीपक प्रसाद वगैरह सब कुछ रखते हैं, तभी आपको उद्यापन करना होता है। और उद्यापन में, क्योंकि कई कमेंट्स ये आ रहे थे,
करके एकादशी के दिन उद्यापन पड़ जाएं, तब हमें क्या करना है? तो देखिए, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत करेंगे, उद्यापन अगले सोमवार पे करेंगे। यदि आपके घर में एकादशी वगैरह नहीं की जाती, कुछ लोग प्रदोष करते हैं, प्रदोष के व्रत करते हैं, तो यदि प्रदोष भी पड़ जाता है तब भी पशुपति व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि पशुपति व्रत के नाम से ही 5 व्रत होते हैं, उसे किसी अन्य व्रतों के साथ में मिक्स आप नहीं कर सकते। जैसे चौथ का व्रत पड़ गया, या आप कोई प्रदोष व्रत कर रहे हैं, शिवरात्रि कर रहे हैं, या आप एकादशी कर रहे हैं, तो इन व्रतों के साथ में पशुपति व्रत को नहीं किया जाता है। मतलब अगर साथ में संयोग पड़ जाए किसी व्रत के साथ में, तो आप जो व्रत करते आ रहे हो उसको करिए, पशुपति व्रत को अगले सोमवार पर कर लीजिए, क्योंकि हर व्रतों में नियम होते हैं। ठीक है, तो जब आपका उद्यापन होगा, मैंने बताया आपको थाली प्रसाद वगैरह आपको सब कुछ लेकर जाना है, नारियल पानी वाला जो जटा वाला नारियल होता है, जो हम कलश स्थापना में रखते हैं, वो वाला नारियल ले लेना है। उसके ऊपर आपको 5 या 7 बार कलावा लपेट लेना है। कलावा लपेटने के बाद उसके ऊपर दक्षिणा रख देनी है। आपका समर्थ हो तो 100 रुपये रखें, आपका समर्थ हो 500 रुपये रखें, आपका समर्थ हो 11 रुपये रखें, जैसा आपका समर्थ हो उस अनुसार आपको नारियल अपने सीधे में रखना चाहिए या उद्यापन में रखना चाहिए। तो जब आप नारियल भगवान को अर्पित करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन अक्षत लगा के ही आपको भगवान के सामने रखना चाहिए, खाली नारियल को नहीं रखा जाता, तो आप अक्षत चंदन लगाने के बाद रखें। ठीक है, अब बारी आती है क्या सीधा जरूरी होता है देना। तो देखिए, ये आपका सामर्थ्य है, क्योंकि पंडित जी ने अपने पिछले जो उनके बहुत पुराने वीडियोज यदि आप देखते सुनते होंगे, उसमें उन्होंने बताया सीधे का आपको पंडित जी को देना होता है, परंतु अब जो उनके नए वीडियोज आ रहे हैं उसमें उन्होंने सीधे की कोई बात ही नहीं करी है। परंतु यदि अगर आपने इतने बड़े व्रत को इतनी मनोकामना पूर्ति के लिए रखा है, तो यदि आप एक वक्त का सीधा किसी पंडित को दे देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे घर से एक छोटा सा दान हम पंडित जी को कर रहे हैं हमारे व्रत की पूर्ति के लिए। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो सीधा पंडित जी को आप दे सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो केवल नारियल के ऊपर दक्षिणा रख के भगवान को आप अर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधे में क्या क्या रखा जाता है वो भी समझ लीजिएगा। सीधे में जैसे कि एक समय का किसी का भोजन बन जाए, जैसे कि घी हो गया, घी का समर्थ नहीं है तो आप तेल रख सकते हैं खाने का, आटा, शक्कर, दाल, चावल, नमक हो गया, कोई दाल आप रख सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सीधा तैयार कर लेना होता है, यानी कि जो हम एक वक्त का भोजन अपने घर में बनाते हैं उसी तरह पंडित जी के यहाँ एक वक्त का भोजन बन जाए। हल्दी, नमक वगैरह आपको जो चीज़ें रखती हैं, सारी चीज़ों को आप पैकेट तैयार करके एक पन्नी में रखकर आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। इसके बाद में अब कुछ प्रश्न ये आ रहे थे कि सीधे को भी शिवलिंग से टच कराना होता है। तो देखिए, जो पूजा का क्रम होता है, देखिए पूजा का जो क्रम होता है उद्यापन वाले दिन, जब आप मंदिर गए, भगवान को आपने स्नान वगैरह करा दिया, या जल का छींटा देते हैं तो वो कर दिया, पूजन सामग्री भगवान को आपने सारी अर्पित कर दी, अब आपको क्या करना होता है, जो आप 108 की संख्या में सामग्री लेकर गए हो, कुछ भी ले जा सकते हो, आप बेलपत्ती ले जा सकते हो, आप 108 फूल ले जा सकते हो, आप मिश्री के दाने ले जा सकते हो, मतलब कुछ भी 108 की सामग्री। एक क्वेश्चन आया था दीदी के टॉफियां ले जाएं, तो देखिए जो सामग्री भगवान को चढ़ती है वो लेकर जाइए, कुछ भी अलग से ऐसे हमें नहीं ले जाना होता। जैसे मिश्री हो गए, मखाने हो गए, तो ये भोग की सामग्री आप वो ले जा सकते हैं, 108 दाने मूंग के या चावल के ले जा सकते हैं। अब इन दानों को एक एक करके, यदि आपके पास समय है, पीछे कोई पूजा के लिए नहीं बैठा है, तो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सामग्री को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाएं। यदि पूजन सामग्री है, हरे मूंग है, चावल है, तो शिवलिंग पर अर्पित करें। और यदि कोई खाने की सामग्री, जैसे 108 मखाने हैं, तो एक कटोरी या दोना आप लेकर जाएं, पिछली का दाना जैसे आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, उस दाने को उठा के आप वापस से दोने में रखते जाएं। जैसे मखाना शिवलिंग पर अर्पित किया, उस मखाने को उठा के आप दोने में वापस रखते जाएं। मतलब खाने की सामग्री को शिवलिंग के मस्तक पे रख के नहीं हमें छोड़ देना होता। यदि पूजन सामग्री है, आप बेलपत्ती ले गए तो शिवलिंग पे चढ़ा दें, फूल ले गए हो तो आप चढ़ा दें, पंखुड़ियां चढ़ा दें, हरे भूंग शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं, 108 तिल चढ़ा सकते हैं आप, 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो जो पूजन सामग्री होती है वो शिवलिंग पे चढ़ती है, जो खाने की सामग्री होती है वो शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद आप किसी दोने में रख दें। तो इस तरह से आपको 108 की सामग्री जो आप लेकर गए हैं वो चढ़ानी होती है। आपने जो नारियल आप लेकर गए हो वो आप भगवान के सामने अर्पित करते हो, अपने प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। और जो आप सीधा लेकर गए हो वो शिवलिंग के पास में रख दीजिए, जरूरी नहीं है शिवलिंग से टच कराया है या नहीं करवाना, सामग्री को पास में रख के उस पर जल घुमा के आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए सीधे के स्वरूप में, उसके बाद आप उठाकर पंडित जी को दे सकते हो। क्योंकि जब तक पूजा होगी नहीं आपका उद्यापन संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जब उद्यापन आपका हो जाता है, पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद पैर छू के पंडित जी को आप दे सकते हैं। अब कुछ मंदिरों में पंडित जी वगैरह नहीं होते, तो नारियल और सीधे का क्या करना है, मंदिर में ही छोड़ दिए, जो भी सेवादार होते हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं, वह उठाकर ले जाते हैं। अब बारी आती है उस मंदिर में कोई सेवा भी करने वाला नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब उस सामग्री को, नारियल को आप वहीं छोड़ दीजिए मंदिर में ही, कोई भी उस नारियल को उठा लेगा दक्षिणा देखकर। ठीक है, जो सीधे का सामान्य जो आप मंदिर लेकर गए थे, अगर मंदिर में पंडित जी नहीं है, सेवा देने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर आप आसपास में जो पंडित जी हैं उनको पैर छू के घर पे जाकर आप दे सकते हो।
और यदि आपकी श्रद्धा है व्रत वाले दिन किसी पंडित जी को घर बुला के खाना खिलाने की, तो बेशक आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। अब आपके जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे पूजा को लेकर, तो वो उसका उत्तर आपको मिल ही गया होगा कि पूजा सुबह में करना है या शाम को। तो वापस एक बार बता रही हूँ, शाम के समय पर, देखो कि आप सभी जानते हैं सुबह हम एक बार थाली तैयार करते हैं, उसी थाली से हम शाम के समय पर पूजा अर्चना करते हैं। तो शाम के समय पर आपको थाली प्रॉपर तरीके से लगा लेनी है, नारियल रख लेना है, दक्षिणा रख लेनी है, 108 की सामग्री रख लेनी है और सीधे का सामान रख लेना है। बस इन सारी चीजों को आप मंदिर लेकर जाएंगे। और हाँ, एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सीधे का सामान दीदी हम जैसे नहीं लेकर साथ में जा सकते, तो क्या हम उसे कैरी बैग में रखकर लेकर जा सकते हैं अपने साथ में? तो बिल्कुल, आप गाड़ी पे कैरी बैग में रखकर सीधे का सामान लेकर जा सकते हो, क्योंकि एक थाली के अंदर इतनी सारी सामग्री आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप अलग से थैला तैयार करके सीधे का ले जा सकते हो गाड़ी पे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती है। और यदि आपके साथ में कोई बच्चा वगैरह जा रहा है या कोई बड़ा जा रहा है, तो वो भी उस सीधे के सामान को पकड़ के अपने साथ में लेके जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से समझाया बताया जाए, क्योंकि क्या होता है जब हमारे मन में डाउट्स होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आज आपको आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि अभी भी मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और पशुपति व्रत की प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, टोटल वीडियोस के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।